बरकत का, तेरी बरकत का बयान करता हूँ। ए मसीह तुझको आज मैं सलाम करता हूँ। उस काना नगर की दास्ता कुछ लफ्जों में बयान करता हूँ। सुन लिया पानी ने यीशु की वाणी, नहीं की अपनी खुद की मनमानी। सुन लिया पानी ने यीशु की वाणी, नहीं की अपनी खुद की मनमानी। सुन लिया पानी ने यीशु की वाणी, नहीं की अपनी खुद की मनमानी। गाँव में बड़ी धूम थी शादी की, वहाँ बड़ी भीड़ थी सारे मेहमानों की। काना गाँव में बड़ी धूम थी शादी की, वहाँ बड़ी भीड़ थी सारे मेहमानों की। यीशु की माँ मरियम भी उसमें शरीक थी, शादी की रात देखो कितनी रंगीन थी। यीशु की माँ मरियम भी उसमें शरीक थी, शादी की रात देखो कितनी रंगीन थी। यीशु मसीह भी वहाँ शादी में आए थे, सारे चेले भी वो साथ अपने लाए थे। यीशु मसीह भी वहाँ शादी में आए थे, सारे चेले भी वो साथ अपने लाए थे, साथ अपने लाए थे। वो रात थी बड़ी नहीं की अपनी खुद की मनमानी। सुन लिया पानी ने यीशु की वाणी, नहीं की अपनी खुद की मनमानी। स्पीकर तृप्त हो गए, कुछ आधे पेट निराश होकर चले गए, कुछ लोग चिल्लाने लगे कि दाखरस तो मिला नहीं। यह देखकर मरियम परेशान हुई और उसने जाकर यीशु के पास कहा कि उनके पास पीने को दाखरस नहीं। यीशु ने कहा कि मेरा समय अभी आया नहीं। मरियम ने सेवकों से कहा कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही तुम करना। यीशु के कहने से दासों ने काम किया, पानी के छह मटकों को मुहा मुह भर दिया। यीशु के कहने से दासों ने काम किया, पानी के छह मटकों को मुहा मुह भर दिया। दासों ने एक दूजे से कहा अब क्या होगा, मन में ये सोचा सबने पानी से क्या होगा। दासों ने एक दूजे से कहा अब क्या होगा, मन में ये सोचा सबने पानी से क्या होगा। पानी ने जान लिया ये खालिक की जुबानी, कैसे ना बदलूं मैं अपनी रवानी, कैसे ना बदलूं मैं अपनी रवानी। हाँ, कैसे ना बदलूं मैं अपनी रवानी, अपनी रवानी, अपनी रवानी, अपनी रवानी। उस रात ने लिखी ये कहानी, उस रात ने लिखी कहानी। सुन लिया पानी ने यीशु की वाणी, नहीं की अपनी खुद की मनमानी। सुन लिया पानी ने यीशु की वाणी, नहीं की अपनी खुद की मनमानी। Yeah।
यीशु ने दासों को फिर से आदेश दिया, खोज के प्रधान को पानी वो चखा दिया। यीशु ने दासों को फिर से आदेश दिया, खोज के प्रधान को पानी वो चखा दिया। जब खोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था, पर वो नहीं जानता था कि कहां से आया है, तो खोज के प्रधान ने दुल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर तृप्त हो जाते हैं तो मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। दासों को ताजुब हुआ, मटकों में पानी था, ये तो यीशु मसीह का पहला चमत्कार था। यीशु के सेवा की ये तो शुरुआत थी, सारे चेलों के लिए ये अद्भुत बात थी। आना गांव में तो ये चर्चा फैल गई, यीशु प्रभु की बाहा महिमा ये हो गई। आना गांव में तो ये चर्चा फैल गई, यीशु प्रभु की बाहा महिमा ये हो गई। महिमा ये हो गई, महिमा ये हो गई, महिमा ये हो गई। वो रात थी बड़ी जलाली, वो रात थी बड़ी जलाली, सुन लिया पानी ने यीशु की वाणी, नहीं की अपनी खुद की मनमानी। ओ सुन लिया पानी ने यीशु की वाणी, नहीं की अपनी खुद की मनमानी। मेरे प्यारे अजीजों, बहनों और भाइयों, आपने सुनी है दाखरस की कहानी। दिल से मन से सुन लो मेरे यीशु की वाणी। यीशु चाहता है हर दिन हर दम हम वचन पढ़ें। यीशु चाहता है हम प्रार्थना स्तुति आराधना में आगे बढ़ें। यीशु चाहता है हम सारे लोगों को सुसमाचार सुनाएं। यीशु चाहता है हम पापों से श्रापों से सारे लोगों को छुड़ाएं। यीशु चाहता है हम बीमारों को बीमारियों से चंगा करें। यीशु चाहता है हम बेसहारों का सहारा बने। यीशु चाहता है हम भूखों को खाना खिलाएं। यीशु चाहता है हम थके मांदों की मदद करें। यीशु मसीह सबके जीवनों में बड़े बड़े चमत्कार करेगा और आशीष देगा और सबको अनंत जीवन का वारिस बनाएगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे।